हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 21 और 22 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, लंडन होम ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग विल गेट द प्रेस्टिजियस ब्लू प्लेग ऑनर इन ऑगस्ट 2022। देखिए, ब्लू प्लेग ऑनर मिलता किसको है? सबसे पहले तो ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है अगर आपको पूछेगा तो ये जो है यूके से रिलेटेड है। यूके में अगर ऐसी कोई प्लेस है जो साइन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और वहां पर कोई हिस्टोरिकल मेकर जो है रह चुका है या वो उससे कोई ना कोई तरीके से रिलेटेड है, उस जगह को ये लोग ब्लू प्लेग का एक ऑनर देते हैं, जहां पर वो ब्लू कलर का ऐसा सिंबल लगा देते हैं कि इन ऑनर ऑफ दादाभाई नौरोजी फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा तो यहां पर जो है लंदन हूं, लंदन में उनका घर है दादाभाई नौरोजी का, जहां पर वो बहुत साल रहे हुए हैं, उसको यूके ने कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, ब्लू प्लेग का ऑनर देने वाले हैं, वहां पर हम लोग एक ब्लू प्लेग का स्टैंप लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी से आप लोग बहुत सारी चीजें यहां पर ध्यान रख सकते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनका घर लंदन में कहां पर है? एम्बले पार्क, एम्बले पार्क। तो यहां पर क्या मिलने वाला है? ब्लू प्लेग का ऑनर। उसके बाद ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है कांग्रेस के, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके उसमें से। उसके बाद ये जो है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है। तो अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आप लिखेंगे दादाभाई नौरोजी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड शेड्यूल्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्कीम दैट ऑफर्स the exposure to both gold and silver via a single fund, which of the following launch India's first gold funds? ठीक है, गोल्ड के funds इंडिया में सबसे पहले कौन लेकर आया था ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यूज ये है कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स ये क्या करने वाला है, एक ऐसे funds लेकर आने वाला है जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर फंड आपका एक ही सिंगल फंड से काम चल जाएगा और ये इंडिया में पहली बार होने वाला है कि ऐसा कोई फंड जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर एक ही से काम चल जाएगा। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड फंड मतलब सिर्फ अकेला गोल्ड किसने लेकर आया था, तो सही आंसर होगा आपका निपन इंडिया ETF। तो सही आंसर होगा यहाँ पे निपन इंडिया, और अगर जो कि 2007 में आया था। ठीक है, और अगर आपको पूछता है कि फर्स्ट सिल्वर फंड कौन लेकर आया था, फर्स्ट सिल्वर फंड, तो वो है ICICI Prudential। तो अगर आपको पूछता है गोल्ड तो आप लगाएंगे निपन, और अगर आपको सिल्वर पूछता है तो आप लगाएंगे ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फंड है इनके लिए इन्होंने फंड मैनेजर्स बनाए हैं, और इनके फंड मैनेजर्स कौन कौन है नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकता है आपको एग्जामिनेशन में। एक है भावेश जैन, और दूसरे होंगे भरत लाहोती। ठीक है, तो ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे, ये कौन है फंड मैनेजर्स है किसके, ये गोल्ड और सिल्वर का जो सिंगल फंड आने वाला है उसके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन जिसका नाम है सुपर वसुकी, तो सबसे पहले तो नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है सुपर वसुकी, ये कितनी लंबी है ये कह रहा है। देखिए, इंडियन ट्रेन्स में, फ्रेट ट्रेन्स में ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन भी है और ये सबसे हैवीएस्ट ट्रेन भी है, तब ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसमें जो है 295 वैगन्स थे और इसको चलाया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, यानी 15 अगस्त को ये चलाया गया था। और ये इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इन्होंने चलाया था इंडिया के 75th ईयर पूरे होने पर, जहां पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहां पूछ रहा है कितनी लंबी वो ट्रेन है, तो वो है 3.5 किलोमीटर की एक ट्रेन जिसमें 295 वेगन्स है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव द सेटिंग ऑफ जू इट्स कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, अगर आपको पता है कुकरेल फॉरेस्ट एरिया कहाँ है तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। सही आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक डिसीजन दिया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जो है जो कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर हम लोग जू प्लस नाइट सफारी इसको डेवलप करने वाले हैं, नाइट सफारी पार्क और एक जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जू और नाइट सफारी पार्क इनको यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं, जिसमें जू का एरिया जो होगा वो 150 एकड़ के आसपास का होगा और नाइट सफारी का एरिया जो है उसी में इंक्लूडेड होके टोटल कितने का होगा, 350 एकड़ का होगा। और ये लोग बोला है, इन्होंने कहा है कि हम लोग जो फॉरेस्ट के एरिया है उसको डिस्टर्ब हम लोग नहीं करना चाहते, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके आसपास ही बनाने वाले हैं।
और फॉरेस्ट का यहाँ पर एरिया कितना है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि कुकरेल फॉरेस्ट का यहाँ पर एरिया है 2027 हेक्टेयर। तो उनका कहना है कि हम लोग इसको जो है बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इनको इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और अलग से जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी पार्क ये अलग से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, पेटीएम हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू फैसिलिटेट स्मार्ट पेमेंट्स एज वेल एज लोन सर्विसेज वाया पेटीएम पोस्टपेड थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सैमसंग। देखिए पेटीएम ने सैमसंग के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग हर जो सैमसंग का शोरूम है, सैमसंग से जहाँ से आप सैमसंग की चीज़ें खरीद सकते हो, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू अब आप पेमेंट जो है सैमसंग से रिलेटेड जो भी चीज़ आप खरीदोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप खरीदोगे, आप टीवी खरीदोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी आइटम खरीदोगे, स्मार्ट वॉच खरीदोगे, तो आप क्या कर सकते हो, पेटीएम पोस्टपेड से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए पेटीएम और सैमसंग ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है, और ये साथ साथ क्या देंगे आपको, स्मार्ट पेमेंट्स का ऑप्शन और लोन सर्विसेज का भी ऑप्शन देंगे। मतलब जो आप जब खरीदते हैं तो आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है ना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिलेगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रतन टाटा लॉन्च्ड अ कैंपेनियनशिप स्टार्टअप दैट हेल्प सीनियर सिटीजन टू मेक फ्रेंड्स। देखिए सीनियर सिटीजन जो कि अक्सर 60-65 के ऊपर हो जाते हैं और उनके घर पर कोई नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग जो है कुछ समय के बाद अकेला महसूस करने लगते हैं, तो उनके लिए एक कैंपेनियन स्टार्टअप जो है वो रतन टाटा ने लॉन्च किया है जिसका नाम है गुड फेलोज। ठीक है, और ये लोग जो है गुड फेलोज ये क्या करेंगे, जो भी सीनियर सिटीजन है उनके साथ ये लोग फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर ये जो सर्विसेज मिलेगी ये ऐसे सर्विसेज होगी कि जैसे कि आपके कोई ग्रैंड चाइल्ड की ही सर्विसेज है, ग्रैंड किड की ही सर्विस है। मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यही फील होगा कि हम लोग जो लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, वो लोग हमारी इस तरीके से सेवा कर रहे हैं कि वो हमारे पोता पोती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इसलिए किया गया, यहाँ पर दो तरीके का इशू इनको एड्रेस करना है। एक तो है लोनलीनेस, कि एक समय के बाद अगर इंसान अकेला है तो वो जो है लोनली फील करना शुरू कर देता है, और अगर कंपनी का जो है अभाव है, लैक ऑफ कंपनी, इसको भी अगर आपको सीनियर सिटीजन की दूर करना है ताकि वो डिप्रेस ना हो, वो तबीयत उनकी और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, है ना, उस उम्र में उनको और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो है कंपनी जिसका नाम है गुड फेलोज ये क्या करने वाली है, उनको फ्रेंड्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन 4,000 करोड़ फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सेटअप अ मेडिकल कॉलेजेस इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए महाराष्ट्र ने रिसेंटली क्या किया है, ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्या किया है, 4,000 करोड़ का लोन लिया है, 4,000 करोड़ का लोन लिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग 12 डिस्ट्रिक्ट में क्या करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाने वाले हैं, और हमको 4,000 करोड़ उसी के लिए चाहिए। इसमें उन्होंने स्पेसिफाई करते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट कहे हैं, मैं आपको 12 पूरे नहीं बता पाऊंगा। जलगांव है जैसे उसमें एक, ठीक है, उसके बाद सातारा है, उसके बाद अमरावती है, इस तरीके से अमरावती, गढ़चिरौली, ठीक है, इस तरीके के जो 12 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने नोटिफाई किए हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट में 12 मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ऐसा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ADB के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। देखिए अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है बुल्गेरिया में, ठीक है, और इसको जीत लिया है। इसमें 53 केजी की जो मैचेस हुई थी, ठीक है, उसको जीत लिया है एक 17 वर्षीय 17 ईयर्स की अमित पंघाल ने, तो सही अंतिम पंघाल ने, सॉरी अमित पंघाल भी एक रेसलर ही है, अंतिम पंघाल जो है, इनका नाम अंतिम इसलिए रखा गया था क्योंकि इनका घर वाले चाहते थे कि ये इनकी अंतिम गर्ल चाइल्ड हो, यानी लास्ट गर्ल चाइल्ड हो, पर देखिए आज इन्होंने क्या किया है, अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश का नाम जो है वो रोशन किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत के लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अंतिम पंगाल। दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, कि यहाँ पर और भी कैटेगरीज में मैचेस हुई थी जैसे 62 kgs और 65 kgs। यहाँ पर इंडिया गोल्ड तो नहीं जीत पाया पर सिल्वर जरूर जीत पाया है, सोनम मलिक और प्रियंका ये जो है सिल्वर लेके आए हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है,
Recently, which of the following emerged as the second biggest airline by domestic market shares in August 2022? देखिए, DGCA, Director General of Civil Aviation, इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है जहां पर इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट में एंगेजमेंट अगर किसी का है मार्केट शेयर में तो वो है स्पाइस जेट का, ठीक है, स्पाइस जेट का जो कि है 84.7% इनका कहना है। सेकंड नंबर पर जो है वो आता है विस्तारा, विस्तारा जो कि है 84.3% का, 84.3% पर। ये डोमेस्टिक मार्केट की बात चल रही है, डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा स्पाइस जेट और विस्तारा चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा, सेकंड बिगेस्ट, यानी सही आंसर होगा विस्तारा ना कि स्पाइस जेट, ठीक है। विस्तारा जो है एक प्रोजेक्ट है आपका टाटा प्लस SIA का, ठीक है। यहां से ध्यान रखिएगा विस्तारा के CEO कौन है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे है, इनका नाम है विनोद, विनोद कनन, विनोद कनन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Who among the following became first Indian to play UEFA Women Champions League? देखिए, इंडिया के प्लेयर अगर UEFA लीग खेल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि UEFA जो यूरोप की लीग है फुटबॉल में, फुटबॉल में इंडिया के प्लेयर वो भी कोई वुमेन अगर खेल रही है तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर सही आंसर होगा मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण जो है वो फर्स्ट टाइम डेब्यू किया है, फर्स्ट इंडियन इस चीज में UEFA वुमेन चैंपियनशिप में। और ये कौन सी टीम के लिए खेलेगी, ये खेलेगी अपोलो लेडीज फुटबॉल क्लब, अपोलो लेडीज फुटबॉल क्लब। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इनको ही इस साल का एशियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सॉरी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो अच्छा कर रही है ये मनीषा कल्याण, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 20 वर्षीय है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहला कि अगस्त 20 को हम लोग क्या कैसे मनाते हैं, उसको मनाते हैं हम लोग अक्षय ऊर्जा दिवस, इसी को क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी डे, ठीक है। अब जो आपका फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही है, तो इसके लिए आपको एक डे मनाना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक चीज ध्यान रखेंगे, बिहार का जो मिथिला एरिया है, ठीक है, मिथिला जो एरिया होता है वहां के मखाने बहुत फेमस है, तो वहां के मखानों को क्या मिल गया है, मखाना, ठीक है, दैट व्हाइट कलर थिंग, उसको क्या मिल गया है यहाँ पर, GI टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने अपना एक ऑफिस खोल लिया है कोलालंपुर मलेशिया में। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा अगर HAL ने अपना नया ऑफिस कहाँ पर खोला है तो वो होगा कोलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने फ्रांस के साथ एक रिसेंट एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और किस चीज पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो ये पूछेगा, तो एक MOU साइन किया है, किस चीज पे किया है पूछेगा तो आप लिखोगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस ने किस चीज पर MOU साइन किया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और कॉमेंट करके हमें बताइए हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।